तो अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका इरफान और शबाना के ब्लॉग में। ब्लॉग में तो आज नया ब्लॉग ये चालू कर रहे हैं कि आज सुफिया निदा के घर पे आए हैं, तो हम लोग किचन में ये बनाना चाहती है क्या बोलते निदा और सुफिया के, आपने बनाए थे स्मोकी चिकन तो वो बनाइए, तो बोले चलो आज वही यहाँ पे आए तो यहाँ पे आके वही चीज अपन ट्राई कर लेते हैं। सुफियान का बर्थडे भी है यार, तो उसको स्पेशल फील भी कराएंगे, तो उसके लिए मैं आज बना रही हूँ फॉइल वाली चिकन जो आती है, उसको स्मोकी चिकन भी बोलते हैं और फॉइल चिकन भी बोलते हैं। तो इसमें इसको फॉइल में डालेंगे कि उसको धुआं करके वो देना पड़ता है स्मोकी, मतलब धुआं कोयले का। तो अभी क्या बनाए, फॉइल में बनाएगी या धुआं वाली? फॉइल में मैं एक ही बता के बताऊंगी, क्योंकि बाकी लोग बच्चे लोग बोलते हैं फॉइल के अंदर ना चिकन चिटक जाती है, मतलब मसाला लग जाता है ना, तो टेस्ट नहीं। हाँ, तो उसको चावल के साथ में ना नौशीन को और निदा को लोगों ना चावल के साथ में सुफियान को अच्छा लगता है ग्रेवी। तो एक फॉइल में बता देगी, बाकी फूक मार के बताएगी धुआं मार के, सबको धुआं मारने का ना। तो चलो उसमें क्या क्या लगता है ना, तो वो आप लोग को बताते हैं ना, आप लोग भी बनाइए और बना के खाइए, हम लोग को धुआं दीजिए। तो हमेशा की तरह शब ने इधर भी सब तैयार करके रख दी, जैसा हुआ करती थी हमारे घर में वैसा यहाँ भी तैयार करके रख दी है, और आप लोगों को आसानी होगी कि कैसा तैयार हो रहा है, क्या कैसा मसाला मिलाने का, तो पूरा रेडी करके उसने रख चुकी है। तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या है, बताओ शब। यस, क्या है बता। चल देखो, ये मैंने ना चिकन ली हूँ, ये 1.25 किलो चिकन है, इसमें ना थोड़े ड्रम स्टिक बोलते हैं उसको, ये ले लेने का। ये हम लोग को सादे पीस चाहिए, मैंने सादे पीस भी रखी हूँ थोड़े बहुत, मेरे को ये दानिश नहीं खाते वो, तो इनको लिए रखी हूँ। और इसके अंदर मसाले तो क्या जाएगा बताएं, दही जाएगा, गरम मसाला, दही एक लीतना मैंने पाव कितना है, 100 ग्राम, 150 ग्राम कुछ होगा, और 2 चम्मच, 1 चम्मच गरम मसाला है, काली मिरी है 1 चम्मच, 2 चम्मच अदरक लहसुन है, 2 चम्मच लाल मिर्ची है, फूड कलर है और नमक है। ये सब चीज़ें ना अपन उसे मिला के ना मैरिनेट करके चिकन के साथ में रख देंगे। हाँ, और दूसरा अपन उसकी ना ग्रेवी बनाएंगे, तो ग्रेवी के लिए अपने को ना ये 6 टमाटर चाहिए, लहसुन चाहिए बारीक चॉप करा हुआ, इसके अपन पेस्ट बनाएंगे, और इसका काजू है, काजू का भी पेस्ट बनाएंगे, और इसमें जाएगा फ्रेश क्रीम और टमाटो केचप, और इसके अंदर लाल मिर्ची और मस्का डालने बाकी है, तो वो मस्का भी अंदर है, मैं बाद में निकालती फिर आपको जब ग्रेवी बनाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। ग्रेवी बनाओगे गिर जाएगी, गिर जाएगी, तो तू है ना पकड़ने के लिए। ग्रेवी ग्रेवी, चलो अभी मैं मसाला मिलाते हैं। चलो मसाला, तो इसमें अभी अपन डालेंगे दही। चलो अब ये सब है ना जो मसाले हैं, ये सब मसाले इसमें अपन ऐड कर देंगे, और इसको सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको मैरिनेट करके रखेंगे, जितना मैरिनेट करके रखोगे ना उतना अच्छा रहेगा। तो 2 दिन रखने का? 1 दिन, तुम 2 दिन भी रखो, ऐसा कुछ नहीं, मैरिनेट करके जितनी चीज़ें रखोगे ना उतना टेस्ट अच्छा आता है। देख तू बना रही है, सुफियान देख रहा है, बोलता भी कितने चालू होंगे, बोलेंगे हमारे शादी में भी हम लोग खाने नहीं मिलता था, क्योंकि अपन खाए बराबर, बोल रहे तुम खाए नहीं, मैं शादी में नहीं, हम लोग मेहमानों में इतने बिजी थे, सबका देखभाल करने का, सबका मेहमान देखू के खाना देखू पहले, सही बात है ना, फिर चल रेडी हो गया, ये हो गया, इसकी ग्रेवी बना के तुमको बता दू। सब ने सब तैयारी कर ली ऑफिस से, मसाला मिल ही चुका है, सब पीस डालिए, गैस चालू कर दिए, टमाटर सब गाजर का जैसा बना दिए है, देखो बता रही हूँ, टमाटर को पीस के ना, मैंने समझा गाजर का लगा, टमाटर को पीस के ना इसको ना सर छन्नी में निकाल के इसके ना अपने को जो रस निकालने का खाली, इसके इसके ना वो बनेगा अपने को ग्रेवी बनेगी इसकी, अच्छा। इसके लिए अच्छा भी डालिएगा ना मुंह में आएगी, प्याज व्याज की जरूरत नहीं पड़ती, ये सब चीजें डालिए अपन ना, ये मसाला मिला हुआ है ना जो मैरिनेट करा वो तो अपन अलग से फ्राई करेंगे, अच्छा। उसको अलग देखिए मैं गर्म कर रही हूँ तेल, हाँ 2 चम्मच 3 चम्मच थोड़ा खाली ज्यादा नहीं करने का है इसको, खाली अपने को पकाने का, अच्छे से पकाने का है, बाद में इसकी ग्रेवी इसमें बनाएंगे, ग्रेवी इसके अंदर अपन ऐड करेंगे, तो पहले इसको बना लेते फिर ग्रेवी बना लेते। चलो ठीक है, चुका है, बुला रहा है कि मेरे पास आ और अंदर जा और उबलने लग, है ना, डायलॉग है तुम्हारा, बन जा गए। चलो देखो अभी तेल गर्म हो गया, इसमें ना चिकन करके ना सब डाल देंगे, इससे कम दे ले तो बहुत हो गया, तो पानी छूटेगा ना अभी, अच्छा चलो फ्राई भी कर लेगा अपनी रोटी, अपने को बनाने का इसको सा खाली पक जाए खाली इतना बस ठूक हो जाएगा अच्छे से, और ये जो बचेगा ना उसको अपन अभी ग्रेवी में डालेंगे, इसके अंदर डालने का नहीं है इसको, अच्छा अभी इसको हिलाने का नहीं है,
हिला रहे ना ऊपर नीचे करने का, तो ये ग्रेवी बची ना जो ये ग्रेवी अपना ना अपनी जो ग्रेवी बनाएंगे उसके अंदर ऐड करेंगे उसको, उसको रहने देने का फेंकने का। तो अभी घुमाने का काम चालू हो चुका है, अब इसको सिलो आज पे ना पकने देने का, अच्छे से पक जाएगा ना सर, कलर चेंज होने देने का, अच्छे से अंदर कुकी हो जाएगी ये। और बाद में अपन इसकी यहाँ पे ग्रेवी बनाते हैं। अच्छा। देखो ये मैं लेने वाली हूँ गाइस, प्लीज कितने कमेंट्स आते हैं आंटी ले लो, ठीक है मेरी जो मैं जो सामान लाके देती हूँ ना, मैंने उसको ऑर्डर दे चुकी हूँ, तो ना वो लाने में लेट कर रही है, वो जो सामान सब मेरा मिक्सर हम लोग लेने में लेट नहीं कर रहे, वो लाने में लेट कर रही है, हम तो उसको बोल दिए पैसे भी देती है सब देती है, लेकिन वो नहीं ला रही, तभी क्या उससे झगड़ा करे क्या करे हुए, थोड़ा आप लोग को सफर रखना चाहिए, आप लोग को सफर रखना चाहिए कि आएगा करेंगे दिखाएंगे ला के, अभी जैसे बर्तन तुमने बोले लाए दिखाए ना, वैसा ये भी दिखाएंगे, फिक्र मत करो, है ना, इसको ना स्लो कर देने का, ज्यादा फास्ट नहीं रखेगा। अच्छा चलो अभी ग्रेवी बनाते हैं, ग्रेवी के लिए यहाँ पे गैस ऑन कर दूँ और इसमें डालेंगे अपन मस्का मस्का और चस्का इसको मस्के में बनती है ग्रेवी। आज गरम मस्का गया है, अंदाजा बोले ना, अंदाजा। अभी इसके अंदर अपन ये लहसुन डालेंगे, अभी गरम होगा पिघलेगा जब ना, पिघल जाएगा उसके अंदर, मस्का पिघल चुका है अभी, सब आइटम उसके अंदर जाने को बेचे नहीं, लहसुन तो ज्यादा बेचे नहीं जाने के लिए, जितना लहसुन ज्यादा रहेगा ना उतना अच्छा रहेगा, इतना सारा लहसुन डालने का मतलब एक कटोरी छोटी कटोरी होगी ना उसका अंदाजा, जैसे कितने बच्चे लोग बेचारे बोलते है की आंटी आप बताया करो, क्योंकि मेरे को अंदाजा इतना मालूम नहीं पड़ता है, नहीं नहीं हूँ आस्ते आस्ते नहीं, 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 इसको थोड़ा अच्छा सॉटे करने का, इसको थोड़ा लाल होने देना जरा सा, लहसुन की जो महक है ना वो चले जाए, मस्के का खुशबू आ रही है ना, खुशबू है, अच्छा मस्का है, मस्का चस्का बोलते हैं इसको, है ना माँ, सही बात है। अब मैं एक दिन इंशाल्लाह मैं मेरी गुड़िया की वीडियो बनाऊंगा, जो वो पकाएगी, जब ये पकाएगी मैं बनाऊंगा और बहुत जल्द बनाऊंगा इंशाल्लाह, है ना, लोग मेरे हाथ से खा रहे हैं तरसे। अच्छा इसके लिए तुम जानबूझ के नहीं बनाती है, सिर्फ तू आप लोगों को खिलाया कर बस खत्म हो गई, बाकी तेल लगा, अरे मैं क्या क्या संभालू, कि तू सिर्फ अपनी जबान संभाले और कुछ नहीं, बस नहीं मार तू जरा भी नहीं, वो नहीं जो बोलते हैं जबान संभाले, अच्छा जो कमेंट्स करते हैं जो अच्छे लोग हैं उनके लिए थोड़ा जितना बोलेंगे ना उतना हाइट बढ़ती है, बच्चे लोग बोलने उतना उसके नौशी के उतने गुना माफ होते हैं, जितना लोग जितने लोगों की बुराई करते हैं उतना लोग की गुनाह माफ होते, ये है आप लोग भी देख लो सुन लो, है ना, देख लो सुन लो। अभी क्या डाल रही है, अभी इसमें डाल रही हूँ मैं लाल मिर्ची, तो एक चम्मच लाल मिर्ची डेढ़ चम्मच डालनी थी, थोड़ी ज़्यादा तीखा नहीं हो जाए ना उसमें भी, लाल मिर्ची ये हो गई, तो क्या बन गया मसाला, नहीं नहीं अभी डालना है, अभी इसके अंदर जाएंगे ये काजू का पेस्ट, थोड़ा स्लो रहो ना, काजू का पेस्ट ना चिटकी का, अब इसमें जाएगा पूरा काजू का पेस्ट, तो राजू को बुलाना पड़ेगा, राजू नहीं काजू, नखून तो काटी थी ना, अच्छी बाकी एक चीज है अब्बा, मम्मी को टावर में आके बहुत मजा आती खाना, हां देखो कैसे हाथ उसके, लेकिन हाथ उसके बना रही देख ना, हिला के बनाते हैं, दुपट्टा भी सर पे नहीं ले देख ना टावर में आगने के बाद, वो घर में रहती तो तहजीब में रहती है, क्यों घर है, अरे नहीं असल में दुपट्टा है ना पानी से पूरा भीग गया, मम्मी मिक्सर चालू किया था, मम्मी के आंग पे सब उड़ गया, तो मेरे आंग पे सब उड़ गया था, बटर हाई फाई मिक्सर की आदत थी ना इसको, इसके लिए नहीं एक चीज की आदत जाती है जो बर्तन की, वो जो मैम चलो मेरे बच्चे लोग को पता नहीं आपको तेरा समझ में नहीं आता, ये टमाटर की जो ग्रेवी थी ना वो भी अंदर अपन ऐड कर देंगे, थोड़ा फास्ट करते हैं बस, नहीं अभी ये भी ऐड करने का, ये क्या मसाला जो बच गया था, मसाला था ना बच गया था, उसमें अपन फूड कलर डालने की जरूरत नहीं है, ये पूरा मसाला अंदर डाल देंगे ना अंदर तो फूड कलर हो जाएगा, इसमें नमक भी थोड़ा रहता है, नमक है ना बराबर चख के डालना, तो इसके अंदर फ्रूट डालने की जरूरत नहीं है, सेब एप्पल एप्पल कुछ डालने होंगे, ये कलर आ गया उसके अंदर सब मिक्स हो चुका है ना, पागल बोलते रहते हैं, बोलते क्या है बाबा, अब इसमें जाएगा टमाटो केचप का मतलब मालूम, जब ब्रेकअप हो जाता है फिर केचप होता है, बोलते हैं केचप, टमाटर का ये भी ना एक कटोरी मतलब दो पाँच छह चम्मच डालना अंदर, लेकिन एक बात है टावर में रहने से सब साथ में रहते मजा आती है,
जब सुफियान आया तो मस्ती करके चला गया, नौशीनी आया थोड़ी मस्ती कर रही है, दानिश आया जाहिजल को संभाल रहा है ना, निदा आई थोड़े मजे लगे वो भी चली गई, हाँ बच्चे सब बच्चों में बिजी हो गए और जिसको जैसा टाइम मिल रहा है वो आगे मस्ती कर रहा है। क्या बोल रही है इस उम्र में कहाँ दौड़ा रहा है रुक बेटा है ना। देखो मेरी ग्रेवी मस्त हो रही है, अब इसको अच्छे से पकने देने का और नमक चक्के डालना, ज्यादा नमक नहीं डालना, ग्रेवी गाढ़ी होगी। चक्के डालना तो बोले चम्मच से चखना, तुम बोले कि हाथ उंगली डाल के चाटो तो नहीं, उसे मत करना। और लास्ट में अपन डालेंगे फ्रेश क्रीम, और बाद में फिर ये चिकन बनेगी, फिर बताती क्या करना है। चलो ठीक, खाने को जो मस्के लगाती है तो आज उसको क्रीम लगा रही है खाने में, है ना। क्या होती है जब, क्या होती है, देखो माशाल्लाह ग्रेवी अच्छी हो गई है, इसके अंदर अपन अभी फ्रेश क्रीम डालेंगे, लाल को व्हाइट करेंगे, नहीं ऐसी देखो थोड़ा सा क्रीम डालेंगे ना, लेकिन वाकई में खुशबू आ रही है। तो चाय भी बन रही है, ये चाय निदा की, निदा को थोड़ी चाय पीने का मन कर रहा है। और ये पक रही है ना, ये ग्रेवी अपनी बन गई, अभी वो बन जाएगा ना, फिर अपन ये ग्रेवी को उसमें ट्रांसफर कर देंगे, पानी से सूख जाना चाहिए पूरा, सब पानी भी सुखाऊंगी, फिर लोग मिलाप हो जाएगा, तब मिल जाएंगे लोग, सब एक हो जाएगी, हाँ ये सब हो जाएगा। फिर इसके अंदर अपन कोयले का धुआं चाहिए तो कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसी अपन को अच्छी ग्रेवी हो जाएगी। उसके बाद फॉइल चिकन लेके आपको एक बताऊंगी कि एक करके दिखाऊंगी, ये लोग बच्चे लोग मना कर, देख करके बताऊंगी ऐसा करके, फिर अपन को रख देने का स्टार्टिंग के अंदर, मतलब अभी स्टार्टर रहेगा ना, स्टार्टर के हिसाब से अपन को खाना अच्छा लगेगा। रमजान के अंदर अपन ओवन में डाल के सुबह बना के रख दी, दोपहर में शाम को ओवन में गर्म करके खा लिए। तो ठीक है, अभी जैसा इसने बोली हो बताइए तो मैं आप लोग को बताऊंगा, है ना। yes. इंतजार कीजिए, तो तैयार हो चुका है, रेडी हो गया, अभी क्या करने वाली है वो बताइए तुम्हारे को। ये देखो माशाल्लाह ग्रेवी ना पूरा सा तेल छोड़ देना चाहिए पूरा, अच्छा टूट गया पूरा, थोड़ा सा थोड़ी सी ग्रेवी रहने देने का इसके अंदर, और ये वाली जो है ना इसके अंदर अपन ऐड कर देंगे पूरी ग्रेवी इसके अंदर। चम्मच में आवाज नहीं आती, हाँ वो चम्मच में बहुत आवाज आता है, नहीं वो नॉन स्टिक है ना, खराब हो जाता है, मेरे को भी मालूम है, लेकिन मैं बोल रही हूँ मैं उसके लिए रुकी हूँ खाली। ये देखो माशाल्लाह ग्रेवी हो गई अपनी रेडी, अब उसको अच्छा इसके अंदर पकने देंगे, उसमें वो देते कोयले का धुआं, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ कोयला है नहीं, अच्छा तो उसका धुआं मैंने, लेकिन मैं तो हूँ ना कोयले जैसा, नहीं तुमको जलाऊंगी मैं क्या करूँगी। ये देखो माशाल्लाह पूरी हो गई जैसा शादियों में रहती है वैसी, अब यहाँ पे अपन एक एक पीस अपन फॉइल में निकालेंगे, फिर आपको बताती हूँ थोड़ा सा पकने देती हूँ, हाँ थोड़ा सा ग्रेवी के साथ। चलो ठीक है, तो ये पक जाएगा, उसके बाद फिर एक फॉइल में डालेगी ना, उसके बाद बाकी ऐसी वो तो मैं खाऊंगा, बाकी बाकी रहने दूंगी, चावल के साथ ऐसा बोलेंगे तो बाद में वापस एक में बहुत हो गया, लेकिन चावल में खाने का मजा अलग रहता है, नरम चावल उसमें मसाला मिला ना तो बहुत टेस्टी लगता है, अभी से पानी आ रहा है मेरे को, है ना। ये फॉइल काट के बाद में आसानी हो, चलो ठीक है, फिर इसमें डालेंगे तो मैं आप लोग को बताता हूँ, और बच्चों लोग चावल में खाएंगे तो वो भी बताता हूँ, मैं भी खाएंगे तो वो भी बताता हूँ, अंकल खाएंगे वो भी बताएंगे। और मैं डालने को तैयार हो चुकी है, प्लेट प्लेट सब निकल चुकी है और तैयारी बिल्कुल चालू हो चुकी है। देखो एक पीस लेने का चिकन का, उसको ऐसा रखने का और इसमें एक ग्रेवी डालने का, ऐसा ग्रेवी बस हो गई, इसको यहाँ से ऐसा लिए लगते, यहाँ से इसको ऐसा लगते, तो अभी ये खाता हूँ और खा के आप लोग को बताता हूँ कैसा बना है, मैं और मेरी बेटी दोनों मिलके खाएंगे इसी को, हमारा तो पेट इसी में भर जाएगा। तो चलो मैंने तो मेहनत से बनाया हूँ, मैंने तूने बनाई मैंने निकाला हूँ, तो पहला शुरुआत ये करेगी, हम लोग को अच्छा लगेगा तो फिर सुफियान बैठ के खाएगा, फिर वो बताएगा कैसा, पहले उसको दिखाने से पहले तुम लोग पास कर लो, तो मालूम पड़ा नहीं। हाँ वैसा ही हो, आप लोग है ना जब भी खोलो तो टिश्यू हाथ में रखना, हाथ गंदे तो रखते, मतलब मैं टिश्यू लेके आऊँ, बता रहे हो तुम्हें टिश्यू लेके आ,
गरम गरम ही खाने का, मसाले में लेने का मजे से खा रहा है। थोड़ा हब्बा गरम है बहुत। ओह माय गॉड। ये कलर का मैं लूं चाहिए। कलर लाओ। लो। चलो अच्छी लगी है। चलो खाओ खाओ। अभी सुफियान अभी देखे पास कर लिए, वो सुफियान खाएगा। सुफियान की बाड़िया खाने की जो उसकी माँ ने बनाई थी चिकन, क्या है फॉल चिकन, तो वो सुफियान खाने वाला है। तो देखो बताता हूँ कि कैसा बना है, क्या है। क्या है तुम दिखाई नहीं बनाते हुए? दिखाई निदा भी खाली निदा, लेकिन अपने तेरे ब्लॉग में बनाए हैं तुम बोल निदा ने, वैसे ट्राई करी। माय गॉड, मैं कमर भी गिर गया। मत यार जी, कब से तेरे इंतजार कर गया। सुफियान तारीफ करे तो समझो पक्का है। निदा ने खाए अभी, लेकिन निदा ने खुद की ब्लॉग में बना दी। तो तुमको जाना, तुम डाल लो। नहीं मस्त यार। अरे वाह, टिश्यू भी है। डानिश को सूखी पसंद है, जैसा जो जैसा है वैसा उसको पसंद है। जैसे वो सूखा है तो सूखी बोटी पसंद है ये, और ये माशाल्लाह जी है तो उसको चिकनी बोटी पसंद है ना। क्यों हंसता है? तो नौशीन का पूरा कार्यक्रम हो गया, गिफ्ट विफ्ट सब दे दी। नौशीन ने एक हार बहुत अच्छा थी माशाल्लाह, वो देखो ये वाला हार है। वाला हबीबी, हाँ पहन के रखना, पहन के रखना कभी भी। परफ्यूम जी उसने, और जूते कहाँ हैं? इसके अंदर ही है। और जूते दिए नौशीन ने माशाल्लाह, बहुत दिल से दिए और उसने दिल से कबूल भी किया और खूब मस्ती भी किया। अब पारिया शब की देने की नहीं, तुम तो एक ही बात है, कोई ऐसा कुछ नहीं। तो जितना उसके बिचारी का था वो उतना करके दे रही है, जैसा हर साल देती है तो ये साल भी देगी, है ना। हाँ, कैसा दिखा रही है। और तुम लोग ने हर साल बर्थडे में हम दोनों अभी मैं हाँ अभी मैं यही दूंगी, चारों को ये को एक ये दे इसी को, अरे अभी चौथे को देंगे, ये थोड़ी है चौथा है। दोनों ने हर अभी ये पूरे साल में सबसे पहले नीदा की बर्थडे, तो नीदा को वो गिफ्ट मिला, फिर दानिश को वही सेम गिफ्ट मिला, वही मेरे को भी सेम गिफ्ट मिला, तो अभी सुफियान को भी वही सेम ऐसा बच्चों में ये सबको एक जैसा देखती है बेचारे, यानी सबको अपना बच्चा ही समझती है, समझती है, और इनको बड़ा होने देती ही नहीं। उसकी नियत पैसों में ही है। अभी सिर्फ गिफ्ट मिलेगा, कोई छोटू और वो छोटू बस। आज डिसाइड कर अभी गिफ्ट नहीं देगा, अभी गिफ्ट नहीं देगा। अरे मेरे भाई सबर सबर तो कर, जो खाना खिला उसको वसूल कर रहा है क्या? कोई चीज अलग होती जो माँ बाप की तरफ से आती है, वो तो लालच अलग रहती है। गरम गरम नोड एक दो, अपने को गिन लेकर तो ले रहे हैं। ओह माय गॉड, पैसा ही पैसा, मजा आ गया। बेस्ट बर्थडे एवर। ओह माय गॉड, कल आओ उछल के देता था। अच्छा, अब तुमको मिला है, सब मिला तुम्हारे बर्थडे में। हाँ बोलना ही नहीं, जो हाथ पैर में तुम लेके घूम रहे हो सब मोबाइल कोई मिलेगा और उसके सिवा किसी को नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ मिलेगा मिलेगा, बच्चों को मैं दूंगा, दूंगा दुआ।
साल कैश मिलेगा तो ही बात करो, सही बात है। तो सुफियान भी खा लिया उसने, माशाल्लाह बहुत तारीफ किया। निदा भी खाई, निदा ने अपने ब्लॉग में डालेगी, उनके ब्लॉग में भी देख सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक और कमेंट करना। ऐसा नहीं कि उसने खाए उसके चैनल पे तो उसको करो, ऐसा कुछ नहीं है ना सुफियान। सही बात है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन बटन दबाओ। नहीं दबे फिर भी दबाओ। टिंग टोंग।